प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अव्यय पढ़ा था और अव्यय के जो चार भेद होते हैं, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, उससे रिलेटेड वीडियो को आज के इस अंक में हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्रिया बोधक के जो चार भेद होते हैं उसे कंप्लीट कर लिया था और आज के इस अंक में हम लोग संबंध बोधक, समुच्च बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। जो सेकंड अव्यय है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय से तात्पर्य वे अव्यय शब्द हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के साथ अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे शब्दों का प्रायः प्रयोग देखा जा सकता है, जैसे के साथ, के पीछे, के भीतर और के बारे, के सामने, के पीछे, के निकट, इस प्रकार के शब्दों का प्रायः वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण देखते हैं, उससे हम समझेंगे। जैसे इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल के द्वारा, के साथ, के लिए, के पास, इस प्रकार के शब्दों का प्रायः प्रयोग देखा जाता है संबंध बोधक अव्यय के जितने भी वाक्य प्रयोग होते हैं उसमें। अब कुछ वाक्य प्रयोग, कुछ उदाहरणों को देखते हैं, जिससे कि हम आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये कौन सा अव्यय है। ठीक है, तो उदाहरण देख लीजिए, राधा पिता जी के साथ आई है। अब ये वाक्य प्रयोग हमने किया है, राधा पिताजी के साथ आई है, तो इसमें आप देख रहे हैं के साथ का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। कुछ और उदाहरण के लिए को लेते हैं, राम के लिए पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इसमें हमने क्या किया, राम के लिए पढ़ना बहुत अनिवार्य है। राम एक क्या है? संज्ञा है, और उसके लिए पढ़ना क्या है? बहुत अनिवार्य है। तो इसमें प्रयोग क्या हुआ है? के लिए का प्रयोग है। अब नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे, रमा का घर स्कूल के पास है। रमा का घर स्कूल के पास है, इसमें क्या हो रहा है? के पास का प्रयोग हो गया है। तो अर्थात ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे के पीछे, राधा का घर मंदिर के पीछे है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो सकता है। और क्या हो सकता है?
के पास, मेरा घर राम के घर के पास है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो सकता है। के सामने, मेरे घर के सामने मंदिर है, इस प्रकार के शब्दों का प्रायः प्रयोग होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा संबंध बोधक अव्यय के बारे में। अब अव्यय का जो थर्ड भेद है उसे हम पढ़ेंगे। अव्यय का तीसरा भाग क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय थर्ड है ये, अव्यय का भेद। समुच्चय बोधक अव्यय से क्या तात्पर्य है? समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात वे शब्द जो शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, दो शब्दांशों को और उसके जो सेंटेंसेस होते हैं आगे का और पूर्व पद का और उत्तर पद को जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है हम लोगों को इसमें देखा जाता है कैसे प्रायः शब्दों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है, और अथवा परंतु अन्यथा और पश्चात इस प्रकार के शब्द प्रायः शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो उदाहरण देखेंगे, इसमें से एक दो हम लोग उदाहरण लेंगे। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं। इसमें हमने दो पद लिए हैं, उत्तर पद और क्या लिखा लिया है? पूर्व पद। और दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या प्रयोग किया है? और का प्रयोग किया है। तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण लेंगे रीता अथवा सीता मेरे साथ जाएगी। तो कर्ता को क्या करना है? कहीं जाना है, उसके साथ रीता और अथवा सीता दोनों में से कोई एक जाएगा। तो क्या हुआ? इसमें हमने सेंटेंस को जोड़ने के लिए अथवा का प्रयोग किया है। उस प्रकार से और भी शब्दों को हम बना सकते हैं। जैसे कि कैसे शब्द बना सकते हैं कि मैं बीमार था इसलिए कल विद्यालय नहीं आया। इसमें क्या कहा गया? मैं बीमार था, मैं बीमार था इसलिए कल विद्यालय नहीं आया। तो इसमें शब्दों जोड़ा किससे गया है? सेंटेंस को इसलिए से जोड़ा गया है। प्रायः आप लोग देखिएगा जैसे शब्दों को जोड़ने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अथवा और इसलिए परंतु इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत। अब अव्यय का फोर्थ पार्ट है विस्मयादि बोधक, उसके बारे में पढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक से तात्पर्य जिन शब्दों को पढ़ने से क्या क्या लगे हमें? प्रसन्नता या तो दुख, घृणा, क्रोध, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है? विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। उससे पता चलता है ये क्या है? विस्मय आदि बोधक अव्यय है। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि विस्मय आदि बोधक के उदाहरण किस प्रकार से होते हैं और इसमें किन शब्दों का प्रयोग
प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये है अव्यय का फोर्थ पार्ट। जैसे कि मैंने बताया है कि किसी वाक्यांश को पढ़ने से क्रोध, घृणा और इस प्रकार के विभिन्न जो भाव उत्पन्न होते हैं उसके लिए कैसे ऐसे क्या होता है विस्मय बोधक चिन्हों का प्रायः प्रयोग किया जाता है, इसको पहचानने का ये मुख्य ट्रिक होता है। तो हम लोग इसके कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे कि हम अच्छे से और भी अच्छे से समझ पाए। जैसे कि यह कितना बुरा है, तो इससे क्या हो रहा है कि किसी चीज को देख के हम क्या हमें कैसी वो भावना उत्पन्न हो रही है कि गंदा महसूस हो रहा है, हमें बहुत बुरा फील हो रहा है। तो हमने क्या बोला, छे यह कितना बुरा है, ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। और क्या होगा, उफ कितनी गर्मी है, उफ कितनी गर्मी है। तीसरा क्या हो सकता है, अरे भाई, अरे भाई, तुम आ गए, इस प्रकार के शब्दों का प्रायः प्रयोग होता है। देखिए इसमें सब में क्या हो गया, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जैसे कि आश्चर्यचकित हो जाना किसी चीज को देख के, तो क्या होता है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। और क्या कर सक क्या हो सकता है, हाय तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, जैसे कि दुख महसूस हुआ, हाय तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, तो किसी के लिए क्या हुआ, वेदना उत्पन्न हुई मन में। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। आज के इस सेशन में हमने क्या पढ़ा, जो अव्यय है, अव्यय का सेकेंड पार्ट क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय, इसके बारे में हमने पढ़ा। संबंध बोधक अव्यय से तात्पर्य क्या है, जहाँ संज्ञा अथवा सर्वनाम को जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, के साथ, डर के मारे, के भीतर, के बारे, के सामने, के पीछे, के निकट, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत। और तीसरा हमने पढ़ा समुच्च बोधक के बारे में। समुच्च बोधक से तात्पर्य वे शब्द जो शब्दों वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और, अथवा, अन्यथा, परंतु, किंतु, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है समुच्च बोधक अव्यय के अंतर्गत। और हमने पढ़ा विस्मयादि बोधक से तात्पर्य जिन शब्दों से प्रसन्नता, घृणा, आश्चर्य, शोक इत्यादि भावों का बोध होता है वो क्या कहलाता है, विस्मयादि बोधक कहलाता है। और इसको पहचानने का क्या ट्रिक होता है कि इसमें विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग होता है। और जैसे कि इसमें प्रयोग होता है छि, उफ, हाय, इस प्रकार के, अरे बाप रे, अरे, इस प्रकार के शब्दों का प्रायः प्रयोग होता है।